अपना ख्याल हम नहीं रखते और उस ख्याल ना रखने की वजह से क्या होता है, आज मैं आपको अपने शो पे दिखाना चाहती हूँ। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज जिन्होंने हमेशा अपना ख्याल रखा, या तो उनके स्पाउसेस ने उनको बहुत खुश रखा और वो खुशी उनके चेहरे पे नजर आती है। क्या सवालात हैं, बहुत सारे दिमाग में मेरे सवालात हैं उन सारे सेलिब्रिटीज से जो फिट अपने आप को वेल मेंटेन रखे हुए हैं, जो नजर आते। आइए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर, आप जो दिखते हैं आप एज के वही होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्सेस भी अब खत्म हो रहे हैं कि मैं तो इतनी एज की हूँ, मैं तो इतनी एज की हूँ, क्यों? क्योंकि अपने आप को लोग मेंटेन रख रहे हैं। आइए, मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुला रही हूँ जो उन वेल मेंटेन्ड सेलिब्रिटीज में सारे फहरिस्त हैं, बड़ी प्यारी हैं, हमेशा से खूबसूरत रही और अभी भी उनकी खूबसूरती मांद नहीं पड़ी। आइए वेलकम करती हूँ, मैं उनके इंट्रो में कहना चाहूंगी, पाकिस्तान एक्सेलेंसी अवार्ड जीतने वाली वो अदाकारा जिन्होंने ड्रामों में एक्टिंग की, जैसे कि छाओ, मोहब्बत अब नहीं होगी, मन मायल, दुर्रे शहवार, उडारी, तशदीदे वफा और बहुत सारे ड्रामे शामिल हैं और माशाल्लाह अभी तक ड्रामों में काम करती हुई नजर आ रही है एक्टिवली। आइए वेलकम करते हैं लैला जुबैरी। अस्सलाम वालेकुम। वी बोथ आर पिंक। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। माशाल्लाह, मैंने आपको हमेशा ही हसीन और खूबसूरत देखा है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी नजरों की बात है। और मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ। हाँ, तुम इतनी सी थी जब से तुम मुझे देख रही हो। बिल्कुल, और मैं वही हमेशा आपकी ब्यूटी से इंस्पायर रहे सब, और थैंक गॉड कि आपने उस ब्यूटी को जो है ना बहुत ग्रेसफुली कैरी किया अभी तक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसमें क्रेडिट क्या मैं आपके हस्बैंड को दे दूं? हाँ, उनको भी जाता है काफी हद तक और कुछ मुझे भी जाता है। क्या वो वैसे हस्बैंड टोकते थे कि नहीं नहीं भाई मोटी हो रही हो, डाइट करो, बिल्कुल स्किन सही करो, बाल सही करो, क्या वो हस्बैंड थे? वो हस्बैंड है, वो कहते हैं जरा सा वेट गेन होने लगे तो पुकारने लगते हैं मोटी। इसका मतलब आपको लगता है हस्बैंड कैसे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद एहसास नहीं होता जब तक। अच्छा, वो पहले ऐसे थे या अभी भी ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं, अभी तक ऐसे ही हैं। अभी तक उनको हर मेरी हर चीज पे वो होता है कि नहीं मेकअप सही नहीं है, ये बाल सही नहीं है, ये कपड़े सही नहीं है। अभी तक बचपन में तो हम उनसे इंस्पायर थे ही, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी तक वो ऐसे अभी तक ऐसे ही। तो अब वो शॉपिंग वगैरह पे जब आप जाती हैं तो जाते हैं आपके साथ थोड़ा गाइडलाइंस देने के लिए? शॉपिंग पे हाँ कभी कभार जाते हैं, अगर बाहर कहीं हो तो जरूर जाते हैं, पाकिस्तान में इतना नहीं जाते हैं। लेकिन आप उनसे पूछती हैं कि मैं ये कलर लूं या ये कलर लूं? हाँ बिल्कुल, मैं पूछती हूँ, और बल्कि पहनते वक्त भी, कहीं जाना हो, शादी में जाना हो, शादी में जाना हो या कहीं भी जाना हो, ट्रैवल भी करना हो तो ट्रैवल के लिए ये कपड़े ठीक है। दैट्स नाइस। आपने अपना ख्याल कैसे रखा, क्या करती रही आप, मतलब खुराक का ख्याल रखा? असल में देखो, एक हर बैलेंस लाइफ होनी चाहिए इंसान की, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें डाइट भी आ जाती है, उसमें आपकी एक्सरसाइज भी आ जाती है, उसमें जो आपका जहनी सुकून है वो भी आ जाता है। अपने आप को अंदर से फिट रखना भी जरूरी है, जैसा बाहर से फिट रखना जरूरी है, अंदर से भी फिट रखना जरूरी है, और पॉजिटिविटी होती है इंसान के अंदर की। और जैसे तुम, मैं सुन रही थी शुरू में, कह रही थी कि हम अपनी बीमारियों को बहुत बढ़ा लेते हैं, जब शुरू में ही कोई प्रॉब्लम उसी वक्त अगर उसको सॉल्व कर लिया जाए तो वो जल्दी से सही हो जाती है। होती है ना हमारी औरतें, बिल्कुल ऐसी होती है, औरतें ज्यादातर ऐसी होती हैं, पालती हैं वो पालती हैं बीमारियों को, वो पालती हैं, अपनी केयर नहीं करती, बच्चों के साथ साथ बीमारियां भी पल रही हैं, और अपने लिए टाइम जरूर निकालना है ना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें, आपको तो एक घर को चलाना है, बच्चों को पालना है, तो जब तक आप सेहतमंद नहीं होंगे तो आप कैसे उन्हें अच्छी तरह से वो कर सकेंगे।